सो गाइज यार आज का जो वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का जो वीडियो वो भी बहुत ही कमाल का होने वाला। आज की इस वीडियो में एक छोटा सा स्पीकर बनाएंगे, वो भी किस प्रकार से बनाएंगे वो आपको मैं वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार के हमें किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास एक मैगनेट रखी हुई है और यहाँ पर मैंने लिया है कॉपर वायर, देख सकते हैं ये 0.2 mm का वायर से कॉपर वायर से ये देख सकते हैं, ये बहुत ही पतला वायर है। तो इस प्रकार से हमें वायर लेना है और इसको 30-40 टाइम इसको टर्न करना है। इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको जल्दी इस प्रकार से कर लेंगे। और यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है, देख सकते हैं इसमें जो दो छोर हैं ये हमारे दोनों छोरों को इस प्रकार से हम बाहर निकालना है। इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है फ्रेंड, इसको हमें ऊपर से हमें जो दोनों ये छोर हैं जो इसको हमें यहाँ से छीलना पड़ेगा। तो हम इसको माचिस की सहायता से इसको जला देंगे। आप इसे ब्लेड द्वारा भी इसे इसका जो कवर है ब्लेड द्वारा भी आप हटा सकते हैं जो ऊपर लेयर होती है उसकी। और इसके बाद मैं आपको जो साउंड वाले वायर्स हैं देख सकते हैं, ये हमारा सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पर बिल्कुल सेट रखा है। अब जो ये हमारे साउंड वाले वायर्स हैं इसको हमें इसमें इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। दोनों वायर को हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। और हम देखते हैं अब क्या होता है। सुन सकते हैं आप फ्रेंड, इसमें से बहुत ही स्लो आवाज़ आ रही है इसमें से। मैं अभी आपको और बताता हूँ अच्छे तरीके से। इसको हम ये देख सकते हैं, ये खाली माचिस का बॉक्स ले लिया है मैंने। अब देखते हैं हम, देख सकते हैं जैसे ही मैं इससे मैगनेट दूर करता हूँ वैसे ही ये जो सॉन्ग है ये बंद हो जाता है। और इस प्रकार से पास करने पर देख सकते हैं इसमें ये आवाज़ आने लगती हैं।